नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉर्स 07 में। फैजाबाद की फील्ड से एक और बिल्कुल नए घोड़े की वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। स्क्रीन पर जैसा कि आप अवलक घोड़ा देख रहे हैं, ये घोड़ा हाल फिलहाल ही बिहार में ख़रीद के आया है। इस घोड़े के नए मालिक हैं अजय सिंह जी, 60, बक्सर बिहार से। ये घोड़ा एक महीना करीब करीब पहले ही नया ख़रीद के आया है। गोल चक्कर में कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस हुई है। शुरू से ही इस पर सवारी सवार रिजवान कर रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं चौताला चाल। काफ़ी अच्छा सच्चे मन का घोड़ा है, काफ़ी अच्छी चाल में चलता है और उम्मीद है कि इस दंगल में भी काफ़ी अच्छी टक्कर सबको देगा। घोड़े में रफ्तार आपको अच्छी दिख रही होगी, बड़े साइज़ का घोड़ा है, बड़े पैर खोल रहा है। उम्मीद है रेस वाले दिन भी कुछ अच्छा करके दिखाए। अजय सिंह जी के पास हमेशा से ही अच्छे घोड़े रहे हैं। इस बार भी उन्होंने दो घोड़े भेजे हैं, एक बच्चा सुरंग और एक अवलक घोड़ा, जो बड़ों में लड़ेगा। इस घोड़े की चाल रफ्तार देख के बताइए क्या आपको अंदाज़ा लग रहा है। घोड़ा अभी नई उम्र का है, करीब 4 दांत का होगा और चौताला काफ़ी अच्छी चाल में सवार रिजवान लेके आगे बढ़ रहे हैं। सवार रिजवान को तो आप जानते ही हैं, काफ़ी अच्छे घोड़ों पे बैठे हैं, पावर के घोड़ों पे। बहुत अच्छा बगधरी, बहुत अच्छी बैठी रही है इस लड़के की। अभी अवलक से अपनी किस्मत आजमाएंगे फैजाबाद की फील्ड में। 9 तारीख को रेस है, करीब 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। सारे ही घोड़े जुट चुके हैं, सबकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस किस्मत के भरोसे छोड़ देना है, भगवान का नाम लेके आगे की ओर बढ़ना है। ये घोड़ा बहुत अच्छी चाल में है, अगर ये जीता तो इसका पहला दंगल होगा जहाँ पे ये विजेता बनेगा। और बहुत अच्छा घोड़ा है, बक्सर ज़िले का घोड़ा है। उम्मीद है कुछ अच्छा ही करके सवार रिजवान दिखाएंगे। देखते हैं फाइनल के दिन क्या होता है। फिलहाल आप देखिए घोड़े की प्रैक्टिस। गोल चक्कर में इसकी पूरी सेटिंग नहीं हो पाई है, फिर भी घोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है। सवार रिजवान लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, घोड़ा भी तैयार है। इनके बच्चे घोड़े की भी वीडियो मिले तो मैं ज़रूर दूंगा। अभी आप अलग से काम चलाइए, और भी घोड़े हैं जिनकी वीडियो धीरे धीरे आएंगी। चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।